सो 1, 2, 3 सामने गाड़ी है तो हम ज्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, बट जस्ट स्पोर्ट्स मोड ऑन एंड 1, 2, 3 सो हम 100 से ऊपर ड्राइव नहीं करेंगे अभी, स्पीड लिमिट है 100 की, 120 पर आते हैं तो 120 तक ड्राइव करेंगे, बट डिड यू सी द एक्सेलरेशन? सो अभी हम इस गाड़ी को एक ट्रायल पर लेकर आए हैं, ट्रायल इन द सेंस कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन एंड फीचर्स। सो अभी मैं गाड़ी को नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ। वी हैव गॉट द 3 ड्राइविंग मोड्स, तो मेरे पास एक रेंज है, एक स्पोर्ट्स है, एक नॉर्मल है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास नॉर्मल मोड में 277 किलोमीटर की रेंज है, मतलब बिकॉज दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक कार, तो इलेक्ट्रिक कार में इसमें कहीं आप पेट्रोल नहीं भरवा सकते, डीजल नहीं भरवा सकते, आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा जैसे मोबाइल चार्ज करते हो। तो हम घर से इसे चार्ज करके लाए थे, बट ऑल्दो हमने 8% इसकी बैटरी को यूज़ कर लिया, तो 92% पे बैटरी है। जैसे ही मैं रेंज मोड पे करूँगा मेरे को रेंज बढ़ जाएगी। सो मैं रेंज मोड पे जैसी गाड़ी को लेकर आता हूँ और 285 किलोमीटर से, सॉरी बढ़ गया 295 दिखा रहा है मुझे। सो अभी रेंज हमारी हो गई 295। पैसेंजर डिस्प्ले में एक एक्स्ट्रा है, ये बंद हो जाती है टू जस्ट सेव सम एनर्जी, बट अभी हम इसे डू नॉट स्विच ऑफ कर देते हैं। मैंने क्लिक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई, नॉर्मल मोड पे करूँगा तो वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल मोड पे ऑन हो जाएगी, यू कैन सी अ कॉकपिट देयर। अभी रेंज मोड का एक फीचर मैं आपको बता रहा था, रेंज मोड का फीचर क्या होता है कि आपके किलोमीटर्स तो बढ़ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये गाड़ी 100 से ऊपर नहीं जाती। सो अभी जिस रोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पर 100 की स्पीड लिमिट है। अब 100 की स्पीड लिमिट है तो अगर मैं रेस दूंगा, अभी पावर मुझे मिल रही है पूरी, बट वो 100 के ऊपर नहीं जाएगी। बट व्हेन यू स्विच ऑन टू स्पोर्ट्स मोड ये गाड़ी हो जाती है एग्रेसिव। सो जैसे मैंने आपको दिखाया था 1, 2, 3 ऑल्दो 76 पे है, दिस इज व्हाट यू गेट, अ जर्क। जर्क के पता कैसा फील होता है, जैसे प्लेन में बैठते हैं ना और जब वो टेक ऑफ करता है, वो टेक ऑफ वाला जो पुल है ना वो आता है। सो सामने अभी हमारे टोल आ रहा है, मैं इसे नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ। अब इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स हैं बट कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी वर्थ इट भी है नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ अ पोर्शे एंड टाइकन इलेक्ट्रिक कार है और ग्रीन कलर की है। सो आई टेल यू एवरी थिंग अबाउट दिस कार, बट पहले टोल रोड क्रॉस करते हैं, मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलते हैं। अभी हम गुड़गांव में हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव फन टूडे बिकॉज मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। एंड एक और लास्ट में हम बताएंगे कि बहुत सारे लोग गाड़ियों के शौकीन होंगे, एक स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, फिर बाद में तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा। ओके, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्पोर्ट्स कार में, बट जो इंडिया में अलग अलग स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं, भाई साहब आपको ना इस गाड़ी का एक फीचर ऑन करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे। सो देयर इज अ फीचर यहाँ पर भी है, मैं यहाँ पर एक इसका शॉर्टकट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने स्टीयरिंग पे भी लिया हुआ है। सो जस्ट सी, ये गाड़ी ऊपर उठेगी। ठीक है, मैंने बटन दबा दिया, देखो ये गाड़ी लिफ्ट हो गई है। सो दिस इज लिफ्ट, यहाँ पे ब्लिंक करता है जब ये लिफ्ट होती है, ऐसी दिस इज ब्लिंकिंग। ठीक है, और इसे नीचे करना है, आई जस्ट पुश दिस बटन, यहाँ पे भी एक बटन है। सो जैसे मैंने इस बटन को नीचे किया, आप अगर देखोगे ये गाड़ी नीचे आ गई है, ये स्पोर्टी हो गई है। भाई साहब को बैक लेना है तो अब हम बैक लेंगे, रिवर्स कैमरा ऑन। सो वो कह रहा है जी बैक ले लो आप। ठीक है, भाई साहब खुश हो रहे हैं गाड़ी देख के। क्या हो गया भाई इसे? चैनल बना रहे हो? हाँ बना रहे हैं भाई, उसी से गाड़ी आई है। सो हमने टोल क्रॉस कर लिया है, अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं बड़े बढ़िया हरियाणवी बोलते हैं यार, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे वैसे बोलनी नहीं आती, मेरे भाई ने तो सीख लिया बोलनी। एंड चलो अब हम सामने, अगर आप देखोगे एक मतलब बिल्कुल चिकना रोड आ गया ना, चिकना देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा रोड, कोई यहाँ पे आपको होल्स नहीं दिख रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड है। तो अब इन रोड्स पे आपको गाड़ी चलाने में डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो अब हम आपको फीचर्स बता रहे थे, एक तो मैं आपको इसमें दिखा रहा था कि जब मैंने गाड़ी को लिफ्ट किया था, सो इसमें चेसी लेवल होते हैं, चेसी लेवल अभी मीडियम पर है, बट क्योंकि मैं स्पोर्ट मोड पर लेकर आऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, मैं स्पोर्ट मोड पर लाऊँगा सो इसका जो चेसी लेवल है वो नीचे आ जाएगा।
और आपको फील नहीं होगा बट वो डेफिनेटली आ जाता है, आप इसे यहाँ से क्लिक करके नीचे कर सकते हो। इससे क्या होता है कि गाड़ी और ज़्यादा एरोडायनेमिकली साउंड हो जाती है, मतलब अगर आप तेज स्पीड पे गाड़ी चलाओगे, अभी तो हम 74 पे चला रहे हैं, बट अगर आप थोड़ी सी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है। ऑल द वैसे भी गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है इसकी, मतलब अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखोगे दे आर अमेजिंग। तो अगेन देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि इज इट वर्थ इट। पहले तो मैं स्पोर्ट्स मोड से हटाता हूँ क्योंकि अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है, मेरी रेंज बढ़ जाएगी, एंड मैं थोड़ा मीडियम कर देता हूँ क्योंकि बीच में अगर कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर आया सो इट कैन हिट, नीचे से हिट हो जाती है। और इसकी सारी बैटरीज भी नीचे हैं, मतलब गाड़ी में ना आपको भी मैं बाद में दिखाऊंगा, सो हमारे पास दो दो स्पेसेस है, बूट स्पेस तो है ही, आगे भी आपको स्पेस मिलता है, तो आगे इंजन नहीं है, तो इंजन नहीं है तो यू गेट स्पेस टू कीप योर स्टफ बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कार। सो मज़ा आ रहा है, अब हम इसे एक बार क्रूज़ कंट्रोल भी इसका ट्राई कर लेते हैं। सो क्रूज़ के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसे नीचे करना है, सो आई जस्ट क्लिक हेयर एंड इसे मैं नीचे करूँगा। 68 पे मैंने क्रूज़ को सेट कर दिया और हम बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में आराम आराम से क्रूज़ कंट्रोल करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऑल द स्टीयरिंग छोड़ने का सेंस नहीं है बट इट इज़ हार्ड इनफ। स्पोर्ट्स कार में क्या होता है, आपका स्टीयरिंग बहकता नहीं है। अब भाई साहब हमारे वैगनर वाले साथ में चल रहे हैं, मैं क्रूज़ हटाऊंगा, मुझे लेफ्ट लेना है, सो मैं यहाँ से, बड़े भाई खुश हो रहे थे, आपने उन्हें मिस कर दिया यार, स्माइल क्या अमेजिंग स्माइल थी, जस्ट सी दिस एक्सेलरेशन पावर कंट्रोल एंड बूम। सो वी आर स्टॉपिंग दिस कार बिकॉज मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ, वो पीछे से मर्सिडीज़ लेकर आ रहा है एंड मैं वहाँ पे रुकता हूँ साइनेज पे सो दैट यू कैन सी वेयर वी आर। सो साइन बोर्ड पे रुकते हैं, थोड़ा सा तो ले लेते हैं एक्सेलरेशन, मज़ा आएगा। ओके सो मैं यहाँ पे आराम से इंडिकेटर देके साइड में गाड़ी लगा देता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बूम, लेट्स स्टॉप द कार हियर। सो बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड, ये देखो पी बटन दबाओगे तो पार्किंग होगी, सारे गियर्स यहाँ पर हैं, डी नीचे, अभी अगर मेरे को ब्रेक पर हाथ रखना पड़ेगा तो डी से अब ड्राइव मोड आ गया है, ये रिवर्स आ गया है, जस्ट एक नीचे न्यूट्रल आ जाएगा, रिवर्स करती ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता है एंड पार्क करोगे, सो दिस इज़ अ नॉर्मल कार। अब नाउ यू सी दिस, यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू हैव एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, इसका नेविगेशन बेकार है, आप नॉर्मल इसका यूज़ नहीं करना, गूगल मैप्स को यूज़ करो। बट अब बाहर निकलते हैं और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। सो आपको गाड़ी की बैटरी देखनी है, सो वी हैव गॉट 90% ऑफ द चार्जिंग हियर एंड वी हैव अ रेंज ऑफ 272। एसी बहुत अच्छा है बट एक इसका डिसएडवांटेज दिखाता हूँ आपको, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल जो बाद में ले लेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए इसे आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये एसी ऊपर नीचे नहीं होता, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कुछ नहीं है, देर इज़ नथिंग। सो अब आप कहोगे ये भाई ये क्या चीज़ है, इसे सेट कैसे करेंगे, यू कैन नॉट सेट दिस, आपको मेन्यू पे जाना पड़ेगा एंड मेन्यू पे कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी, देन आपको चूज़ करना आपको हवा कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, सो यू विल हैव टू जस्ट सेलेक्ट इट। एंड आपको इको मोड पे रखना है एसी को, आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, पैसेंजर को सॉफ्ट चाहिए जो मेरे साथ बैठे हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको फेस पे हवा चाहिए। सो अभी आपने एसी की हवा सुननी शुरू करी होगी। सो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है साउंड नहीं करती है, पहले तो मैं सॉफ्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ से देखिए मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा फ़ैन स्पीड को कम कर देता हूँ एंड 19 पे हमारा टेम्परेचर सेट है। सो ये हमने एसी के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी ज़रूरी है, सबसे पहले तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है साउंड नहीं करती, भाई साहब ये फीचर आपको एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिक स्पोर्ट साउंड चाहिए। तो मैं जब गाड़ी चला रहा था एक साउंड आ रहा था, वो साउंड कोई मोटर का नहीं है, वो साउंड इसके स्पीकर से निकलता है एंड यू विल हैव टू परचेज दिस फीचर। ये कुछ भी पोर्शा फ्री नहीं देता, तो मैं आपको पहले बता दूँ, उन्होंने मैट्स तक फ्री नहीं दिए, ये भी फ्री नहीं थी, कुछ फ्री नहीं होता, हर चीज़ के लिए आप पैसे देते हो। ये जो रेड कलर का आप लेदर इंटीरियर देख रहे हो, ये इतने में एक स्विफ्ट आती है जितने में सिर्फ ये रेड कलर का लेदर इंटीरियर हुआ है। ऑल्दो मैं लेदर को प्रमोट नहीं करता बट क्योंकि लेदर सीट्स आती हैं तो आपको कलर लेना पड़ेगा, सो कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब ये अगर आप ऑफ रखोगे तो आपको सिर्फ टायरों की आवाज़ आएगी, इसे ऑन रखोगे तो आपको आवाज़ आएगी। मैं इसकी साउंड आपको टेस्ट कराता हूँ। सो मैं जैसे इसे रिवर्स पे डाल देता हूँ, यू जस्ट फील दिस वाइब, है ना, इसे बंद करते हैं एक मिनट के लिए। सो इसे बंद करेंगे,
नो साउंड, इसे ऑन करूँगा तो एक बजिंग साउंड आ रही है, जैसे मैं इसे हल्के से रेज दूंगा एक साउंड आया जैसे इंजन चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस। बट अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंड देन आई टेक इट बैक, देर इज ऑलमोस्ट नो साउंड, देर इज नो साउंड, ये सिर्फ टायरों का साउंड आएगा अदरवाइज। बट जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, सो जस्ट लिसन टू दिस, यू गॉट दिस, ऑलराइट। अब मैं इसे फॉरवर्ड लेके जाता हूँ, व्हाट इज द साउंड, ये सब आपको ये बंद करते ही नो साउंड, नो साउंड, सिर्फ टायर्स का साउंड है। सो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, थोड़ा एसी हमारा हम बढ़ा लेते हैं, ओके। सो दिस इज अगेन अ फीचर, मैं पार्किंग मोड पे डाल देता हूँ, सो यू कैन रिलैक्स, यू कैन चिल एंड सम अदर फीचर्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक्स्ट्रा जो पैसेंजर डिस्प्ले है, अगेन इट इज़ अ पेड फीचर, हर चीज़ के लिए आपको पैसे देने, तो इसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये अपने आप में पूरा का पूरा एक टच स्क्रीन है, आप यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो पूरे का पूरा गाड़ी को, नेविगेशन देख सकते हो, आप फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सेस हियर, राइट। सो ये अपने आप में यहाँ पे कॉकपिट आ जाती है, इसके भी अगर आपको फीचर चेंज करने हैं, अभी कंपास लगा हुआ है, जी फोर्स मीटर लगा हुआ है, सो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। सो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इस गाड़ी की डेफिनेटली बताई हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है, अब आप हेलो पोर्शे करेंगे, यहाँ पे कमांड फीचर है, एक फीचर और होता है इसमें, ये यहाँ पर हम जाते हैं रिकपर्शन पर। अब इसमें क्या है कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, सो जितनी बार गाड़ी ब्रेक लेगी इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चार्ज होती है। सो ये फीचर ऑन करके रखना अच्छा रहता है कि जितनी बार आप ब्रेक ले रहे हो उतनी बार ये चार्ज होती है। एक फीचर और दिखाता हूँ, अब मुझे पीछे बूट खोलना है, वेर इज़ द बटन, देर इज़ नो बटन, एक बटन है यहाँ पर, ये पूरा टच है, तो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इस बटन से मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर मुझे बूट खोलना है, सो आप ये देखिए मैं यहाँ से बूट खोलूँगा और आप पीछे देखेंगे बूट खुल जाएगा, सो बूट खुल चुका है। अच्छा पीछे तो कोई नहीं है, अब बंद कौन करेगा जाके, यहाँ पर देखो इस बटन को दबाए रखो एंड आप पीछे देखो तो बूट बंद होना शुरू हो गया है एंड हमने बूट को बंद कर दिया है, ओके। सो जब आप इसे चार्ज करते हो, इसके दोनों साइड में ही पोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बाहर से दिखाएंगे, सो एसी डीसी दोनों तरीके से चार्ज हो जाता है, घर में हमारे एसी मिलता है एंड राइट साइड में भी पोर्ट, आप किसी भी साइड से गाड़ी पार्क कर दोगे तो दोनों साइड से चार्ज हो जाएगी। अगर आपको आगे का खोलना है तो यहाँ से आपका खुल जाएगा, सो इसे बंद कर देते हैं। मैंने आपको चार्जिंग का बता दिया। अब यहाँ पे ये वेंटिलेटेड सीट है, अगेन इट्स अ पेड फीचर, आपको वेंटिलेटेड सीट चाहिए इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं, ये आपने ट्रिप क्या लिया है, आप अपने कंफर्ट के लिए एम्बिएंट लाइटिंग चेंज कर सकते हो, वो अंधेरे में देखेंगी, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आती है। अभी मैंने कुछ और एसेसरीज ऑर्डर करी हैं, तो कुछ टाइम में आपको इसमें थोड़ी सी और एसेसरीज दिखेंगी, थोड़ा सा आप कह सकते हो क्रोम फिनिश एंड गोल्ड फिनिश, वो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है। आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है एम्बिएंट लाइटिंग की, आप बढ़ा सकते हो, आपको 100% रखनी है तो आई थिंक यहाँ पे ब्लू हल्का हल्का आ जाएगा इस वक्त। डोर्स पे कितनी रखनी है, मैं कहता हूँ 100% रखनी है, सो यू कैन जस्ट इंक्रीज इट, ठीक है। आपके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं, सो एम्बिएंट लाइटिंग में आप चूज़ कर सकते हो, आई लाइक ब्लू तो मैं ब्लू कर देता हूँ, तो मुझे टॉपाज ब्लू पसंद है तो मैं वो कर देता हूँ। अगर आपको ग्रीन करना है, सो यू कैन सी अ लिटिल बिट ग्रीन हेयर, वो रात में ही अच्छा दिखेगा। अगर मैं रेड करता हूँ तो रेड हो जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेंज इट। सो कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं इस कार में, जैसे कि कीलेस एंट्री है, अगर आपके हाथ में आपके कपड़ों में चाबी है, की है, तो डोर्स आप खोल सकते हो डायरेक्टली अगर गाड़ी लॉक भी है तो, इस तरीके से आप गाड़ी को लॉक भी कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो की है उसमें एक लाइट आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी की में चार बटन्स हैं, सो आप डोर अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर बोनेट खोलता हूँ, तो बोनेट में भी हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, यू कैन कीप सम स्टफ हेयर। और अब हम चलते हैं पीछे बूट पर, सो आप बूट में भी देख सकते हो कि एनफ स्पेस है एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ सीक्रेट स्टोरेज भी है। इनफैक्ट मैं इसे भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्टोरेज है, तो स्टोरेज एनफ है इस कार के अंदर। सो हमने कार को लगा दिया स्पोर्ट्स मोड पर और हम ट्राई करने वाले हैं 0 to 100। सो 1 2 3 बूम, सो तकरीबन 4 सेकेंड लग गए हैं, 120 की स्पीड लिमिट है तो हम नीचे कर लेते हैं। सो इन लेट्स से 4 सेकेंड्स वी अचीव्ड 0 to 100, बट यू जस्ट फील दिस किक, कैन यू फील दिस किक हियर? सो ये जो किक है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस रोड की। सो लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया है रोड पे, सो कोई गाड़ी जाती है तो थोड़ा सा होता है ऐसा, तो लोगों को शौक है, वो अच्छी चीज़ है,
बट यू जस्ट सी दिस कि वेरी कंट्रोल्ड. अभी हम तकरीबन 112 पे चल रहे हैं एंड मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा ऐसा कि 112 पे चल रहे हैं हम, बट बहुत कंट्रोल्ड है. अभी देखो हम थोड़ा सा एक कट लेंगे, हम यहाँ से हल्का सा मुड़ेंगे एंड ये गाड़ी कितने कंट्रोल के साथ निकलती है. तो मैं 120 के आसपास ही चलता हूँ, मैं 120 पे क्रूज़ डाल देता हूँ. तो मैं एक क्रूज़ लेता हूँ एंड तकरीबन हम 109 के क्रूज़ पे ही हैं. एंड ये देखिए बिल्कुल मतलब इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, बिल्कुल ज़मीन से चिपक के चल रही है. एंड एरोडायनामिक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि अगर मैं हल्का सा विंडो नीचे करूँगा तो आपको पता लगेगा कि स्पीड एक्चुअल में कितनी है. फील दिस, कैन यू फील द साउंड? सो वो साउंड फील डेफिनेटली आपको होगा. और अगर आपको कभी भी ओवरटेक करना है, यू हैव एनफ पावर. यू जस्ट सी दिस, यू हैव एनफ पावर एवरी टाइम. 120 की स्पीड लिमिट है तो हम 120 को ही उससे ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे. तो कंट्रोल्ड ही चलानी है हमने गाड़ी. बट स्पोर्ट्स में इट गिव्स यू दैट पावर एंड कॉन्फिडेंस कि आप रोड पे मतलब अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, ओवरटेक कभी भी कर सकते हो. और मतलब 120 की स्पीड, इट डजेंट फील लाइक कि आप 120 पे चल रहे हो, मुझे तो लग रहा है मैं 50 पे चल रहा हूँ. सो 110-120 इज नथिंग फॉर दिस कार. एंड देखो हमसे स्विफ्ट आगे जा रही है और वो वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं. सो ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज यू हैव दिस ग्रीन कलर. अब देखो पोर्शे इंडिया में एक साल में कितनी गाड़ियाँ बेचता है, मैक्सिमम 500 गाड़ियों में से मैक्सिमम गाड़ियाँ होती हैं आपकी मैकेन एंड कायन. मैकेन एंड कायन आर लाइक SUVs, सो वो ऊँची गाड़ियाँ हैं. स्पोर्ट्स कार में 911 निकलती है. सो टाइकन इलेक्ट्रिक है, नहीं आई है एंड इट इज़ द ओनली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार इन इंडिया. इंडिया में और कोई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है ही नहीं. तो आप समझो कि ये बहुत रेयर कार है. अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पीड्स कैमरा है, बट क्योंकि हम 109 के क्रूज़ पे चल रहे हैं बड़े इजीली, स्विफ्ट हमसे तेज़ चल रही है. बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये बहुत अच्छा है. अच्छा यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है नीचे, वो अभी हमको बाद में दिखाएंगे. यहाँ पे स्पेस है सो मैंने उसे बड़ा अच्छे से यूज़ किया हुआ है. सो यहाँ पर लाइट भी है, हमने यहाँ पे टिश्यूज़ रखे हुए हैं. आई कैन शो यू. सो वी हैव गॉट सम ओके. सो टिश्यू पेपर बॉक्स हियर, मैं वापस रख देता हूँ. सो इतना स्पेस है कि आप टिश्यू पेपर बॉक्स रख सकते हो. और मैंने कुछ ये एंटी स्किड मैट्स ले रखे हैं, सो वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं. सो मेरी वाइफ को अपना फ़ोन रखना होता है, वो यहाँ पे रख सकती है इजीली. अब एक और चीज़ है, सीट कंफर्ट की बात करते हैं. सो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ऑल दो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके आप स्पोर्ट्स सीट्स भी लगवा सकते हो. मतलब टोटली योर चॉइस. एक्चुअली पोर्शे में कुछ भी फ्री नहीं आता. अभी क्या है कि ये जो ग्रीन कलर हमारे पास है, ये जितने कार ग्रीन कलर की पोर्शे को निकालनी थी उन्होंने निकाल दी है. अब ग्रीन कलर की और कार्स नहीं आएंगी. अगर किसी को ये कलर चाहिए तो उन्हें तकरीबन 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस कलर के लिए. ऑल दो मैंने इस कलर के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया, बट अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए अगली बार तो आपको इस कलर के लिए प्रे करना पड़ेगा. बट बेटर क्या है यार, आप नॉर्मल कलर्स भी ले सकते हो अगर आपको ग्रीन नहीं चाहिए. तो डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स कार निकलती है, सो पीपल मेक वीडियोज एंड ठीक है, एक पूरा हेड टर्नर बन जाती है कार. सो ये आपकी चॉइस है, आप ग्रीन की जगह और भी कलर्स ले सकते हो. बट बेसिक कलर्स जो है वही फ्री आएंगे. कोई भी आप प्रीमियम कलर पर जाओगे तो वो पेड होगा एंड मिनिमम आपको उसके लिए 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कलर और ये स्पेशल कलर के लिए हमने पे भी किया है. अलॉय व्हील्स जो हैं, जो बेसिक आते हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे. जो अच्छे अलॉय व्हील्स हैं उसके लिए मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए खर्च करे हैं इस गाड़ी में. तो वो भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. तो एक्स्ट्रास आपको काफ़ी पे करने पड़ेंगे. तो कुछ भी फ्री नहीं है ये मान के चलना. आप अगर देखोगे तो एड ऑन्स आप कितने के भी करा सकते हो, म्यूज़िक सिस्टम चेंज कराओ, ये चेंज कराओ. सो पीपल एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. यहाँ पे सनरूफ नहीं आती है, सनरूफ है ही नहीं इसमें, इसमें मूनरूफ है सिर्फ. उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आपको वो भी लगवानी है आपको उसका पे करना पड़ेगा. सो फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे. मैं क्रूज़ हटा रहा हूँ. सो मैं आपको एक बार दोबारा से इसकी थोड़ा सा पावर फील कराता हूँ. सो अगेन वी हैव अ गुड रोड अहेड एंड हम ऑल दो 90 पे चल रहे थे, हमें पता ही नहीं लगा. एंड यू जस्ट सी दिस. सो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है जैसे जैसे इट डिम होगी. बहुत अच्छा है. और एम्बिएंट लाइटिंग मैंने आपको बता दी थी. तो पावर 1, 2, 3. सो पावर हमारे पास एनफ है. सो ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स साउंड जो मैंने आपको बताया था ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है. इसे अगर मैं बंद कर दूंगा
सो ये ऑफ हो गया है, सो अभी कोई साउंड नहीं है, बट अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा सो यू हैव दिस साउंड, सो ये हमारे पास साउंड है एक्स्ट्रा, ओके. और अगर हम पावर एंड कंट्रोल की बात करें, आप लेन चेंज करते हो, इवन इफ़ यू मेक इट अ शार्प मूव, सो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है आप कितनी भी लेन चेंज करते हो. ऑल्दो मैं बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में कर रहा हूँ, स्पीड इसकी आगे निकल गई थी. सो हम यहाँ से एक यू टर्न लेंगे बिकॉज आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए ड्राइव करना, एंड वापस घर चलते हैं. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.